तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारा उपहार नहीं लोगी? कैसा उपहार? ये क्या? कौन लाया है? किसके लिए? ये कैसा शोर है? अरे क्या है? पवन, इस वस्त्र के नीचे क्या है? तुम्हारा उपहार दिखोगी? ये तो कलिंग का राजकुमार है। उदित, उदित, उदित क्या हुआ तुम्हें? उदित आंखें खोलो, उदित मेरा भाई। हाँ तुम्हारा भाई, तुम्हारा नन्ना सा प्यार, यही है तुम्हारी पहली रसोई का उपहार। राजकुमारी कौरव की पहली रसोई का ये शानदार उपहार मुबारक हो। उदित उठो, आंखें खोलो, उदित, उदित! कलिंग से यहाँ आप लाए हैं? क्यों लाए हैं? पहले आपने मुझे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से फुसलाया, फिर मेरी बहन से विवाह रचाया, और अब मुझे उठा कि यहाँ जानते नहीं मैं कौन हूँ, कलिंग का होने वाले राजा, आपका सर में धड़ से अलग कर दूंगा। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए राजा जी। क्षमा, मेरी बात ध्यान से सुनिए। नहीं सुनूंगा, आपने मेरा अपहरण किया है। बिल्कुल किया, पर तुम्हारी जान बचाने के लिए। कलिंग में तुम्हारी जान को खतरा था, तुम्हारे भद्रक भैया कभी भी वार कर सकते थे तुम पे, तुम्हारी जान लेना चाहते थे वो। उसे कलिंग का राजा जो बनना था, पर मुझे भद्रक पे पहले से ही शक था, इसलिए मैंने अपने सैनिकों को कलिंग में रखा था। तुम पे नजर रखी थी कि जैसे मुझे अवसर मिले मैं तुम्हें यहाँ ले आऊँ, तो बस ले आया। मुझे भद्रक भैया पहले से अच्छे नहीं लगते थे, वैसे भी मैंने अपनी दीदी के लिए वर आपको ही चुना था, मैंने तो आपको अपना जीजा जी भी बना लिया था, याद है कि भूल गए? मैं अपनी दीदी के लिए एक अच्छा सा सुंदर सा राजकुमार ढूंढूंगा, एक ऐसा राजकुमार जो मेरी दीदी को हमेशा खुश रखे। मैं हूं ना वो राजकुमार, याद है? याद है। अच्छा सुनो राजा जी, अब आपको मुझे एक वचन देना होगा। पांगी, आप अपनी बहना को सच नहीं बताएंगे, आप उनसे ये कहेंगे कि आप मेरे बंदी है। कौरवी को कभी ये मत कहना कि मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ, कि तुम अपनी इच्छा से मेरे साथ हो। क्यों? बाद में बताऊंगा, पर पहले तुम कुछ मत बताना। वचन? वचन। अशोक, इस बच्चे को बचाने के लिए इतना कुछ? तुम तो इसकी बहन से नफरत करते हो ना? नफरत करता हूँ, इसलिए तुम नफरत के प्यार को लेके आओ, उसे यहीं बांध के रखने का हथियार लाया हूँ। जब तक मुदित हमारे साथ है, कौरव की कहीं नहीं जाएगी। मुदित, मुदित होश में आओ, आंखें खोलो मुदित, मुदित उठो, उठने का प्रयास करो। मुदित तुम ठीक तो हो ना? इस चंड ने तुम्हें कोई घात तो नहीं पहुंचाया? अगर किया है तो इसको इसको अभी दंड दूंगी मैं, इसी क्षण इसको मौत के घाट उतार दूंगी। नहीं नहीं दीदी, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। चलो बहुत हो गया दोनों भाई बहन का मिलन, मेरे लोग इसलिए यहाँ इसलिए पकड़ के नहीं लाए ताकि तुम दोनों मनाओ रक्षाबंधन। ये मेरा बंदी है, मुदित मेरा बंधक है। अशोक, मैंने कहा छोड़ो मेरे भाई को। इसे अशोक ने उठा लिया ना, वो अब अशोक का हो गया। मुदित मेरा बंदी बन के रहेगा, हर प्रहर इस पे मेरी नजर रहेगी और कोई इसे छू तक नहीं सकेगा। अगर तुम्हें अपने भाई से मिलना है ना, मेरी नजरों के सामने मिलोगे। पागल हो गए हो क्या? बिदक गए हो? जानवर कहीं के, इसे प्रतिशोध देने के लिए इतना नीचे कौन गिरता है? मैंने तुमसे कहा था ना, मेरे अपने कर्म, मेरे अपने नीति नियम। यदि अभी तुमने यहाँ से भागने की कोशिश भी की ना, तो उसका भुगतान तुम्हारा ये भाई भुगतेगा। शोक, भागने की सोचना भी मत। जीजा जी मेरे बहन के सामने नाटक कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, पर अब तो हाथ छोड़ तो बहुत दुख रहा है।
क्षमा करना, मैं भूल गया था। अशोक ऑक्सी खेल रहे हो, मत खेलो जल जाओ। कलिंग के होने वाले राजा को बंदी बना रहे हो, परिणाम बहुत बुरा होगा। कलिंग की प्रजा तुम्हें छोड़ेगी नहीं, शांत नहीं बैठेगी, वो कुछ तो करेगी। ऐसा दंड देगी जिसे देखकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी। अरे मुदित कैसे गायब हो गए हैं? तुम्हें सैनिक क्या कर रहे थे? अरे जब भाभी राजा यहाँ सुरक्षित नहीं है तो प्रजा का क्या होगा? उनकी रक्षा कौन करेंगे? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मुझे अभी अभी अपने विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि मुदित को मगध के निर्वासित राजकुमार अशोक ने अगवा किया है। क्या? अशोक? पहले उस अशोक ने तुम सबकी प्रिय लोकप्रिय राजकुमारी कौरवकी के साथ धोखा किया, धोखे से उसके साथ विवाह किया, और अब वो चंड हमारे छोटे से भाई मुदित को यहाँ से उठा के चला गया। अशोक ने कलिंग के साथ घात किया है, और एक बार नहीं दो बार किया है। तो अब चीखने चिल्लाने से कुछ होगा नहीं, हमें मगध के विरुद्ध कुछ करना होगा। जो बिना कुछ लिए अपने राज्य के लिए कुछ करना चाहता है वो आगे आए। है कोई मददगार जो करे कलिंग का उद्धार? जब से उस देवी ने मगध की धरती पे कदम रखा है ना नायना, तब से हम कोशिश किए जा रहे हैं उसे रिझाने की, अपनी तरफ घसीट कर लाने की, लेकिन वो लड़की है जो पलट कर एक बार हमारी तरफ देखती भी नहीं। तब हमें एहसास हुआ कि हम तो मूर्ख हैं। क्या हमें उस पर खजाना लुटाने की नहीं, उसका खजाना लूटने की जरूरत है। और इस देवी का एक ही खजाना है, अशोक, जिससे बेहद प्यार करती है वो। और उसके रास्ते में केवल एक ही कांटा है जिससे बेहद नफरत करती है वो, कौरवकी। परंतु माँ, वो दोनों पक्की सहेलियां हैं। सहेलियां कैसे हो सकती हैं विमला? सौतने में कभी सहेलियां होती है क्या? नहीं ना। एक बात याद रखो, जो हमारे दुश्मन का दुश्मन वही हमारा दोस्त। लेकिन माँ, अशोक और कौरवकी तो एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं है। देवी की नजरों से देखो डायना, तुम्हें केवल दो नफरत करने वालों के बीच प्यार नजर आएगा। ओह, तो माँ आपका कहना ये है कि देवी को अपने साथ करने के लिए हमें अशोक और कौरवकी को एक साथ लाना होगा। हमारे साथ रह के कितनी बुद्धिमान हो गई हो तुम डायना। कौरवकी ने सही कहा था कि मैंने जो किया है कलिंग की प्रजा चुप नहीं रहेगी, कुछ तो करेगी। और वो भद्रक, उसके साथ मैंने जो किया है मुझसे बदला लेने का, तो उसे बहुत अच्छा अवसर मिल गया होगा। स्वयं के हार से लेके मगध के राज दरबार तक मैंने उसका मान कुचल के रख दिया, और जो बदतमीजी उसने आनंदी के साथ की थी उसका पर्दाफाश तो मैंने राज्यसभा के सामने किया है। उसका खून ना खौल रहा होगा, तन बदन का एक एक अंग बोल रहा होगा बदला। मुझसे बदला लेने के लिए वो किसी भी तरह किसी भी समय किसी भी जगह वार कर सकता है। हमें चौकन्ना रहना है, बदर के पास बल तो है नहीं, वो जो करेगा छल से करेगा, पर क्या करेगा? वो चंड है तो तुम महाचंड हो, कलिंग के सर्वश्रेष्ठ योद्धा हो तुम। तुम मिलके मगध के सिंहासन को हिलाकर रख दोगे। अगर तुम मिल जाओ तो ला दो प्रलय, भेद दो दुश्मन की लंका, और कर दो हर गुप्त लक्ष्य पूरा। अब कलिंग तो क्या, मगध पे भी होगा सिर्फ मेरा राज। भद्रक, हमारी प्यारी पोता बहू, शादी के बाद पहली बार अपने मायके आई हो, स्वागत है तुम्हारा देवी। कैसा स्वागत? पहली बात तो ये मेरा मायका नहीं, मायका तो वो होता है जहाँ पर माँ होती है, प्यार होता है। और आप सब लोग तो वो हैं जिनसे अशोक घृणा करते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया किस लिए। हम तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि तुम हो ही इतनी प्यारी, अशोक का गुस्सा हम सब पे क्यों निकालती हो? आओ आओ हमारे साथ बैठो ना देवी, ये विशेष भोज केवल तुम्हारे लिए। भोज किस खुशी में? काश खुशी में होता।
परंतु ये तो तुम्हारे ससुराल की गरीबी के दुख में है। हमने देखा वहां पर उस दिन तुम्हारे ससुराल में, तुम देवी, विदिशा की लक्ष्मी, जो बचपन से ही ऐशो आराम की गोद में पली बड़ी है, वहां कैसे अब एक छोटी सी कुटिया में अपने दिन बिता रही है। क्या कहा था तुमने बेटा, मायका तो वो होता है जहां माँ होती है ना, माँ की आंखें हैं हमारे पास, इसलिए हम देख पाए कि तुम कितनी दुखी हो। वहां तुम्हारा दुख देखकर हमें बहुत दुख हुआ। किस चीज को छू लिया है, पूरे तन बदन में खुजली हो रही है। मैं पोशाक बदलता हूं, ऐसा लग रहा है खुजली पीछे छूट गई। आनंदी, 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 क्या हुआ भैया? आनंदी क्या हो गया ये सब? जो भी पोशाक पहनो मुझे इतनी खुजली क्यों हो रही है? भैया मेरी पोशाकों को हुआ क्या है? पूरे बदन में आग लगी हुई है। भैया एक क्षण। हाँ मुझे नहीं पता आपके पोशाकों को क्या हुआ, लेकिन इतना पता है कि आपके सारे पोशाक कौरव की भाभी ने धोए थे। क्या मेरे वस्त्र कौरव की ने धोए? अब समझा, उसे मेरे वस्त्र नहीं, मैं अपने बदले के अरमान धोए, और मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। कहाँ है वो? गौरव की। बेटा बात अगर केवल गरीबी की होती ना, तो शायद हमें इतना बुरा नहीं लगता। परंतु अशोक और उसकी माँ का व्यवहार भी तो ठीक नहीं है ना तुम्हारे साथ। राजमाता, देवी ने आपको कोई अधिकार नहीं दिया कि आप देवी के परिवार के विरुद्ध कुछ बोले। परिवार? कौन सा परिवार दिया अशोक ने तुम्हें देवी? परिवार का कौन सा बर्ताव दिया तुम्हें? परिवार तो वो होता है ना जहां अपने सबसे पहले होते हैं। शायद इसीलिए सबसे पहले विवाह अशोक ने गौरवकी से किया। हमने तो यह भी सुना है देवी कि सुहागरात को सबसे पहले अशोक गौरवकी के पास गया था। सच सुना है या झूठ? इतना तो हमने भी तुम्हारे ससुराल में देखा कि रसोई की रसम के वक्त उसने सबसे पहला निवाला गौरवकी के बनाए हुए हलवे से लिया, और ये ही नहीं, उसने तो नियमों को तोड़कर सबसे पहला निवाला गौरवकी को ही खिला दिया। अब तो हमें ये पता चला है कि उसने मगध में कौरवकी के छोटे भाई को भी बुला लिया है ताकि वो कभी भी उसकी आंखों से दूर न जा सके, हमेशा उसकी नजरों के सामने ही रहे। इसका मतलब क्या हुआ? संबंध भी कौरवकी के साथ, बंधन भी कौरवकी के साथ, और नजरें हर वक्त कौरवकी पर। तुम ये चाहती हो ना कि हम सब ये विश्वास कर ले कि दोनों पत्नियों के बीच में प्रथम स्थान वो तुम्हें देता है? नहीं देवी, हमें तो केवल ये दिखाई दे रहा है कि अशोक तुमसे बहुत ज्यादा महत्व गौरवकी को देता है। बस, बस। अब एक शब्द और नहीं। मेरे पति अशोक सिर्फ मुझे चाहते हैं, मुझे देखते हैं, मुझे मानते हैं। पति पत्नी के साथ की हर रात वो मेरे साथ बिताते हैं। कौरवकी से घृणा करते हैं वो। राजशाही खून के बारे में एक खास बात बता दूं मैं तुम्हें दीदी, ये जो राजा और राजकुमार होते हैं ना, इनका दिल और जिस्म कभी एक नहीं होता। आता होगा अशोक तुम्हारे पास तुम्हारे साथ रात बिताने, पर क्या वो दिल से आता है? हमें तो नहीं लगता कि वो दिल से तुम्हारे पास आता है, क्योंकि उसका दिल कौरवकी ने जकड़ा हुआ है। कौरवकी पूरे घर को अपने बस में कर लेगी। अरे यार, रात गौरवकी धर्मा के कमरे में जाती है और उसके साथ सोती है। आता होगा अशोक तुम्हारे पास, हर रोज रात बिताता होगा, तुम दोनों का जिस्मों का नाता होगा, पर जीतेगी गौरवकी, क्योंकि वो उसकी माँ का दिल जीतेगी, और जो उसकी माँ का दिल जीतेगा वो उसका दिल जीतेगा, जिसे उसकी माँ चाहेगी उसे वो चाहेगा। क्या हुआ तुम्हारी चमक धमक को देवी, क्या हुआ? बस
तन का नाता जोड़कर मन खुश हो गया तुम्हारा? भूलो मत, कौरव की बहुत चतुर है, वो बहुत जल्दी अशोक का दिल जीतेगी। फिर क्या करेगी, क्या करेगी ये देवी? क्या करे देवी? आग लगा दो। चेहरे पे कोई मीठी याद और मुंह में अंगूर का स्वाद, जैसे कोई जंग जीत लो। क्या किया मेरे वस्त्रों के साथ, बोलो। खुजली हो रही है। देखो मेरी बात मानो, अपने हष्ट-पुष्ट शरीर को ना दुर्बल मत बनाओ। वैद्य जी के पास जाओ, वो तुम्हें कोई औषधि दे देंगे। वैद्य जी के पास जाने से पहले मैं तुम्हें जहन्नम भेजूंगा। क्या किया है बताओ, मेरे वस्त्रों के साथ क्या किया है? ओ, इस कमरे में अभी तो जंग छिड़ी है, मेरा यहाँ से अभी जाना ही अच्छा होगा। ये युद्ध तुमने शुरू किया है, यदि चाहते हो इस युद्ध को मैं समाप्त करूं तो मेरे भाई को छोड़ो और कालिंग वापस भेजो। तो तुम्हारे इतने पर निकला है? कहां तुम चलता फिरता अशोक और कहां मैं अशोक? मुझसे सौदा करोगी? तुमने अशोक को छेड़ा है ना, अब अशोक तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम्हारा दूसरा हंस चकमा तुम खोल देगा, तुम्हें ऐसा सबक सिखाएगा ना। कुछ चुप गया क्या? है ना, मोजड़ी साफ करते करते इसमें काटा रह गया होगा, चुभ रहा होगा ना। बहुत शौक है ना मुझे कांटे से चुभाने का, तो चलो आज मिलके ये कांटे काटते हैं। क्या कहा था तुमने मुझे अभी अभी? बहुत दर्द हो रहा है मुझे, तो चलो आज इस दर्द को भी बांटते हैं। बहुत शौक है ना मुझसे बिड़ने को, तो आज अच्छे से बिड़ेंगे शैया पे। मैंने तुमसे कहा था ना कि सुहागरात की रात मैं चुनूंगा। आज रात सुहागरात मनाएंगे, अद्भुत सुहागरात, मिलन की रात। हम दोनों होंगे इतने पास पास। पोशाक भी होनी चाहिए कोई खास। क्या कर रहा है ये? अशोक कहाँ जा रहे हैं पतिदेव? और ये क्या, ये कौरवकी का दुपट्टा है ना जो तुमने धोती बनाकर पहना है? देवी, ये मेरे और कौरवकी के बीच का मामला है, और आज की रात वो सारे उलझे मामले में सुलझा के रहूंगा। तुम्हें अशोक के घर में आग लगानी होगी देवी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं कोई गुनेगार थोड़ी हूँ। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि अशोक मुझसे प्रेम करे। प्रेम? प्रेम ही तो एक आग का दरिया है देवी, और जो भी इस दरिया में डूबा है वही पार हुआ है। देवी,
पता नहीं उस चंड ने तुम्हारी आंखों पर कौन सी पट्टी बांध दी है, तुम्हें उसके अंदर का जानवर नहीं दिख रहा। कौरवकी ये मत भूलो कि अशोक अब हम दोनों के पर है। वर नहीं जानवर है। बस कौरवकी तुमने जो करना था वो कर लिया, जो कहना था तुमने कह दिया। अब तुम्हारे नाटक का पर्दा मैं गिराऊंगी, तुम्हें देवी का असली रूप दिखाऊंगी। राजमाता हेलेना आप सही कह रही थी कौरवकी के लिए। कहाँ खो गई हो देवी? वो कौरवकी मैं बाहर धूप में से आ रही हूँ ना, तो मेरे सर में बहुत दर्द कर रहा है। दासी मुझे निद्रा की औषधि दे दो, एक चुटकी मात्र लेने से नीत की गोद में सो जाऊंगी और मेरे सारे दर्द गायब हो जाएंगे। तुम्हें पता है ये निद्रा की औषधि बहुत कमाल की है, अगर खुद ले लो तो आराम से सो जाओ, और जो तुम्हें परेशान करे उसे दे दो तो उसे सुला दो। मैंने अपना पासा चल दिया है, अब तुम वही करोगी जो मैं चाहती हूँ करूंगी। निद्रा की औषधि, इसके विषय में मैंने क्यों नहीं सोचा? इसका प्रयोग करके मैं अशोक के चंगुल से मुक्त हो सकती हूँ।